नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंसर टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। संवाद में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी जिंदगी के 6 से ज़्यादा दशक भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को समर्पित कर दिए, जिन्होंने दुनिया के 90 से ज़्यादा देशों में भारत की संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया, जिनके बारे में इतने कम शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। बहुत बहुत स्वागत है पद्म विभूषण से सम्मानित विभिन्न नृत्य विधाओं में पारंगत महागुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह का। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत आभार हमें समय देने के लिए। आभार सनसेट टीवी का, मुझे उसके लायक समझा। मैम, शुरुआत में सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि 6 दशकों से ज़्यादा लंबी आपकी कला यात्रा है, आपने बहुत संघर्ष देखा है अपने जीवन में, लेकिन उस संघर्ष को जब आपने जीता तो जिंदगी के रंगमंच पर दर्शकों की जोरदार गड़गड़ाहट ने आपका स्वागत किया। तो इस पूरे सफर में कोई यादगार लम्हा जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें। पहले आप कह रही हैं कि इतना लंबा मेरा संघर्षमय जीवन जो आज भी है, फिर आप कह रहे हैं एक लम्हा। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि इतने लंबे सफ़र में कोई एक लम्हा बता पाना नामुमकिन है। उस पर तो हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन जब मैंने पूछा तो कोई एक लम्हा जो आपके जहन में आया हो। पहले आपने संघर्ष कहा, तो संघर्ष वाला लम्हा कहूँ या अच्छा लम्हा कहूँ, सभी अच्छे हैं। चलो, मेरे मन में यहाँ पे सामने उभर रहा है श्री कैलाश। 2006 में मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गई। भगवती ने मुझे ये गति दी, ये शक्ति दी, और पूरा वहाँ पे मानसरोवर में 25 मिनट से ज़्यादा मैं करती रही। सब लोग 2 मिनट में बाहर निकल गए, नीले भूरे हो गए, और सामने कैलाश, और बस मैं पता नहीं क्या क्या श्लोक करती रही, क्या क्या पानी में। उसके बाद दूसरे दिन वहाँ पे जो टिबेटन फेस्टिवल था जी, सागा दावा, ये अगस्त के महीने में हम गए थे, तो कहाँ कहाँ से टिबेटन लामा आ गए, और हम भी वहाँ से हमारे धर्मशाला से गए थे। तो वहाँ मुझे कहा गया था पहले कि आप नृत्य करेंगी उस ऊंचाई पे, मैंने कहा ज़रूर। तो फटाफट कॉस्ट्यूम डाल दिया था, जूड़ा बना लिया, और फिर जो अष्टपद है, एक प्लेटो है जी, वो भी 16-17 हज़ार की ऊंचाई पे है, जहाँ लक्ष्मण जी ने, महावीर स्वामी ने, कहते हैं बुद्ध ने, और शायद नानक जी ने, यानी ऐसे ऐसे संतों ने तपस्या की, और वो कैलाश का दक्षिण मुख है जो शायद हम जब सबसे ज़्यादा करीब जा सकते हैं, और मुझे उसमें बिल्कुल अर्धनारीश्वर दिखा। यदि कोई मुझे कैलाश का दक्षिण मुख आज भी बता दे तो मैं आपको कहूँगी देखिए बाईं तरफ की आँख कितनी ऐसी जो होती है ना कमल की पंखुड़ी, और दूसरी तरफ की आँख, और एक रेखा ऐसे जा रही है। तो मैंने कहा वाह भगवती, भगवान सामने बैठे हैं, भगवती मुझे आज्ञा दो कि मैं पैर उठा सकूँ, नटराज नटेश्वरी आपके सामने हिम्मत। और आप यकीन मानिए कि आधा घंटा वहाँ पे मैंने नृत्य किया। उस कंकड़ पत्थर पे एक चटाई बिछाई थी, वो चटाई भी हट गई, और उन्हीं को देखती रही। क्या क्या किया मैंने, 30वीं मिनट पे हाथ पैर मेरे पानी पानी हो गए, और फिर मैं चुपचाप बैठी। लोगों की आंखों से आंसू जा रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू जा रहे हैं। इतिहास रच दिया आपने, ये क्या हो गया। बिल्कुल, तो संघर्ष आपके जीवन में बहुत रहा, हम सभी ने बहुत जाना, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज पहले भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन उस संघर्ष में भी जो आपको शक्ति मिली आगे बढ़ने की, और उन संघर्षों को धता बताकर उनको उन पर जीतने की, तो वो शक्ति आपको कहाँ से मिलती है। संघर्ष यदि जीवन में ना हो तो आपका जीवन रूखा सूखा निरस है। क्या आप ये बता सकती हैं कि आज के दिन आपके जीवन में कोई भी संघर्ष नहीं हुआ, ऐसी क्षण नहीं आती हैं। दूसरी बात कि अभी जो मैंने बात कही
नटराज नटेश्वरी की। तो जो जीवन में एक अटूट श्रद्धा कि यदि ये जीवन मुझे दिया गया है, यदि इस जीवन में भले संघर्ष करके घर से भाग जाके जो भी किया, वो नृत्यमय जीवन के लिए, क्योंकि इस जीवन में मेरा मिशन मुझे ये दिया गया कि नृत्य के द्वारा समाज सेवा करो, नृत्य के द्वारा लोगों के मन में सद्गुण भरो, लोगों के मन को आह्लादित आनंदित करो, और जो हमारे अच्छी बातें हैं हमारी संस्कृति की, धरोहर की, परंपराओं की, जिससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलती है, उन बातों को साझा करो। बिल्कुल, तो यही एक इसका रहस्य है शायद, कि आप संघर्ष को संघर्ष ना माने, लेकिन संघर्ष को आगे बढ़ने का एक मार्ग माने। गीत संगीत कला एक जरिया है समाज को संदेश देने का, और आपके जो प्रोडक्शंस हैं उनकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो समाज को संदेश देते हैं, मानवता का संदेश, नारी सशक्तिकरण का संदेश। तो अगर द्रौपदी और अहिल्या की बात करूं तो आपने इतिहास की कई नारियों को छुआ है, उनके जीवन को छुआ है अपने कला के माध्यम से, उनके ज़रिए आप क्या संदेश दुनिया तक पहुँचाना चाह रही हैं? पहली बात तो मैंने उनको नहीं चुना, उन पात्रों ने मुझे चुना, सही बात है। कहाँ मैं लोपा मुद्रा से, गार्गी से, कात्यायनी से लेकर, वाच से लेकर, मैं कहाँ पढ़ने इतना बैठती और कहा। तो ये जो पात्र हैं, पता नहीं आपके साथ भी होता होगा, वो हावी हो जाते हैं आप पे, आपके दिल दिमाग में वो खेलने लगते हैं, एंड दे डिमांड एक्सप्रेशन। तो द्रौपदी मेरी, मैं कहूँ कि कॉलेज में थी तब से कुछ बोल रही थी, भिनभिना रही थी। अब उस वक़्त भाग दौड़ ये वो सीखना प्रोग्राम होते होते 1994 में, अब तो करना ही है। द्रौपदी को बुलाना है, उसको थोड़ी समझने की कोशिश करनी है। कहते हैं कि लोगों में महाभारत द्रौपदी की वजह से हुआ, लो भाई। जैसे कि बहुत अच्छे लोग थे, दूध से धुले हुए, और फिर कहते हैं कि हाँ हाँ वो पांच वो उसको लेके बैठी थी तो ऐसे ही होना था। द्रौपदी आपकी मेरी तरह किसी माँ की कोख से नहीं जन्मी थी, अग्नि से, यज्ञ से जन्मी थी, यज्ञ से नी। क्या मतलब उसका कि वो अद्भुत एक अलग व्यक्तित्व की धनी षोड़शी यानी 16 वर्ष की युवती उत्पन्न हुई अग्नि से, और अग्नि की तरह उसके बाल, उसका स्वभाव, उसकी ऊर्जा जी। अब उस अग्नि को झेलने के लिए कोई एक सशक्त नहीं था, थे तो मात्र श्री कृष्ण। और द्रौपदी का जन्म का नाम जो दिया गया था वो था कृष्णा जी, और कृष्ण की एकमात्र सखी, न प्रेमी, न पत्नी, न भक्त, सखी वो मात्र द्रौपदी। इतनी जो एक अद्भुत व्यक्तित्व वाली महिला, स्त्री, नारी, उसको कौन झेल सकता था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि द्रौपदी तर्कशास्त्र में प्रवीण थी, लॉजिक में जी। हर सेंस ऑफ ह्यूमर वॉज किलिंग, हर डिवोशन, हर डेडिकेशन टू हर फैमिली आउटस्टैंडिंग। जब उसको पहले आघात हुआ कुंती की बात सुनकर कि भुंक्तेषु समेत्य सर्वे, बराबर बराबर बांट लो, अंदर से बोली, बाहर अर्जुन द्रौपदी को लेके खड़ा है, क्या हुआ होगा उसके मन पे, क्या आघात हुआ होगा। उसके बाद जब उसने अपने आप को मना लिया कि पांच उंगलियां मिलके बनती है मुट्ठी, ये मुट्ठी तुम हो द्रौपदी, उसने अपने मन से कहा ये मैं हूँ। अंत में भी जब वो महारानी बनी और अश्वत्थामा ने जो किया था, उसके पांचों पुत्रों को जला दिया, पति को, भाई, पिता, भाई, सभी को, और जब उसको पकड़ के लाए तो
तो इसको जो पनिशमेंट देनी हो द्रौपदी तुम बोलो, श्री कृष्ण ने कहा। बोला नहीं, तो फिर उसका ये शिखामणि उतार लिया। ये द्रौपदी हु इज केपेबल और सो मैनी डायमेंशंस ऑफ लाइफ, एक कहते हैं ना जो पूर्ण व्यक्तित्व, परिपूर्ण। यदि कृष्ण 16 कला संपूर्ण हैं तो मैं द्रौपदी को 16 कला संपूर्ण स्त्री मानती हूँ। तो इस तरीके से अभी मैंने मीराबाई का किया जी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने मीरा की बात की, तो इतने वर्षों में मीरा की बात नहीं हुई, अब हो रही है। और मैंने मीरा पहले ही 6 मई को कर दिया। मीरा की देखिए कहानी, कहाँ से कहाँ, राजकुल महल से चली। हाँ, वधू अकेली निकल पड़ी उस मुगल समय में। उत्तर भारत में किसी की हिम्मत है, अकेली, और वो सुंदर रही होगी, युवान थी, युवती थी, और उसने कोई अपने आसपास हजूम नहीं खड़ा किया, शिष्य शिष्याएं जयकार करते चल रहे, कुछ भी नहीं, अकेली। और आज तक मीरा को लोग याद करते हैं। वो द्वारका में जाके द्वारकाधीश में समा गई, पता है आपको, किसी को पता नहीं था, फूल माला पड़ी रही, मीरा नहीं, मीरा समा गई। क्या, तो जब मैं, तो लोग रो रहे थे, मैं तो रो ही रही थी, वो भी रो रहे थे। तो यही मेरा, आपने जो कहा कि ये मेरा काम रहा है, उसी में मुझे बहुत आनंद आता है। आज के माहौल का भी मैं काम कर रही हूँ बहुत सारा, पर्यावरण का भी कर रही हूँ, मानवता का भी कर रही हूँ। तिहाड़ जेल के जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स, मानवता आपका एक प्रोडक्शन था जिसमें तिहाड़ जेल के कैदियों को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें मौका मिला आपके साथ मंच साझा करने का। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी समेत पूरी कैबिनेट हाजिर, और वाजपेयी जी आखिर में पूछ रहे स्टेज पे आके, अरे भाई सुना था कैदी है, तो मैंने कहा ये रहे आपके सामने, बोले हैं। तो कहीं ना कहीं कला एक जरिया है लोगों का मन परिवर्तित करने का, बुरे भाव हटाने का, अच्छे भाव लाने का, कह सकते हैं। हाँ, परिवर्तित हो, और आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें कुछ ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हावी हो गई हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। हर एक बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, क्या देख रहे हैं उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। लैपटॉप तो है ही है, यूट्यूब है, तरह तरह की चीज़ें जो मुझे पता भी नहीं है नाम। अब ऐसे माहौल में आज किस तरीके से कन्वे करना, किस तरीके से बातें पहुंचाना, तो वहाँ मुझे फ़र्क करना पड़ता है। तो मैं किसके लिए क्या कर रही हूँ ये मुझे चुनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर जगह ये कर दिया, नो, तब तो आई डिफीट दैट कि मुझे हर जगह ये करना है, नो, गलत है। कहाँ कौन जान, सागर है, ये हैं, वो है, ऑडियंस क्या है, किस तरीके का माहौल है, ड्यूरेशन कितना है, उसमें बात कहनी है। बिल्कुल, ऑडियंस के हिसाब से कई बार कला में, अभिव्यक्ति में, प्रोडक्शंस में बदलाव तो करना ही पड़ता है। लेकिन बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे महिलाओं की, तो G20 के अंतर्गत विमेन 20 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो आयोजित किया गया, आप उसमें भी शामिल हुई। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्या वो काफ़ी हैं? नहीं, काफ़ी तो कभी नहीं होंगे। हजारों लाखों वर्ष की हमारे विश्व की जो एक विश्व का इतिहास रहा है। बाय द वे, इतिहास लिखने वाले भी पुरुष होते हैं, ठीक। और यदि कोई स्त्री इतिहासकार लिखेगी तो इतना उसको तवज्जो नहीं दिया जाएगा। इतिहासकार पुरुष रहे हैं, तो उनकी दृष्टि से, जैसे किसी ने ठीक ही कहा कि हंट, शिकार का इतिहास शिकारी लिखता है, शेर नहीं लिखता है। यदि शेर लिखे तो इतिहास अलग होगा। तो W20 बहुत ही अच्छा एक क्या कहूँ कि प्रवृत्ति है, एक एक्टिविटी है। लेकिन महिलाओं को और ज़रा सशक्त होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तरह तरह के अलग देशों के विचार आते हैं। तो भारतवर्ष की महिलाओं के क्या प्रॉब्लम है, संघर्ष हैं, कुछ संघर्ष कॉमन है, कुछ संघर्ष रीजनल अपने अपने देशों के हैं, उन सबको मिला जुला के आगे चलना है, तो छोटी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार का काफ़ी
सक्सेसफुल रहा। मुझे लगता है अगर किसी मुद्दे पर हम बात करते हैं और विचार विमर्श करते हैं तो कहीं न कहीं कोई एक निष्कर्ष निकल के आता है जो सभी की भलाई के लिए होता है। और जैसा कि हमारा G20 भारत की अध्यक्षता में G20 का भी जो थीम है वो यही है कि ये पृथ्वी एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। और बिल्कुल इसको वाकई में आपने परिवार माना है, आपने 90 से ज़्यादा देशों का भ्रमण किया और भारत की संस्कृति की आप वाहक बनी हैं, जो वाकई में काबिले तारीफ है। और मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में कभी किसी ने ऐसा किया होगा। लेकिन अभी काफ़ी देश बाकी हैं यानी कि जो गया ठीक है, लेकिन आगे एक लंबा आसमां है। और आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आगे आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि संसद सदस्य हैं तो एक उस नाते भी एक जिम्मेदारी आपका भविष्य में देखती हैं। संसद सदस्य तो हूँ, 2 वर्ष जो कोरोना के गए उसने एक जो मोमेंटम में बना रही थी और काफ़ी सारे पार्टियों में से संसद सदस्य कुछ सीखने भी आए थे जी। कुछ पुरुषों ने कहा कि हम चुपचाप आएंगे, बताना नहीं किसी को तो वो एक मोमेंटम टूट गया, काफ़ी लोग रिटायर भी हो गए, कुछ नए लोग आए। लेकिन संसद में मैंने कार्यक्रम पहले वर्ष में ही किया था जिस वक्त वेंकैया नायडू जी थे, बहुत बहुत सक्सेसफुल रहा। मुझे एक बात जो लगती है कि संसद सदस्यों को भी कुछ ओरिएंटेशन यदि भारतीय परंपराओं का दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। बिल्कुल, अपनी परंपराओं के बारे में तो जानना ही चाहिए। हाँ, सब जो जहाँ जहाँ से आते हैं उनके बारे में उनको पता होता है मोस्टली, लेकिन जो विशाल भारत है, द विस्तृत है, तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि एक थोड़ा खामी रह जाती है। और उसको कैसे मोदी जी पूरा करेंगे, मोदी जी तो लगे हुए जी जान से। तो मैं कह रही हूँ कि संसद में थोड़ा हल्कापन यानी लाइट मोमेंट्स भी आती हैं जिससे बैलेंस हो जाता है। और मुझे तो बहुत ही सम्मान मिला है सबसे, क्योंकि लोगों ने मुझे देखा है, मेरे बारे में सुना है, इतनी लंबी मेरी सफ़र रही है आपने कहा, और बहुत अच्छी हंसी खुशी मिलजुल के वातावरण घर जैसा लगता है। यानी देयर इज अ काइंड ऑफ अ रियल वसुधैव कुटुंबकम इन संसद ऑल्सो, राज्यसभा, ये तो मैं कह सकती हूँ। आप महागुरु हैं, आपके मार्गदर्शन में लाखों विद्यार्थियों ने नृत्य सीखा है, कला सीखी है, आपने बहुत सारे प्रोडक्शन कोरियोग्राफ किए हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? गुरु शिष्य परंपरा में मैं सीखी हूँ, मेरे पास अभी तक कोई गोल्ड मेडल नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। गुरु का वाक्य कि हाँ ठीक है अच्छा है, वो सर्टिफिकेट था। और लकड़ियों के वो होते हैं ताते ते ताते ते 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 ते, उसकी लकड़ियाँ भी खाई हैं कि अब यूँ गिरा तो ठड़ाक। तो उस परंपरा में सीखे हुए हम लोग आज की परंपरा, आज की पीढ़ी के बच्चों और ऑनलाइन, तो समय बदला हुआ है। अब गूगल गुरु भय गूगल आचार्य गूगल कर लें गूगल। मेरे अपने छोटे से प्रयास में मेरी संस्था श्री कामाख्या कलापीठ सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस का 46वां वर्ष चल रहा है, और बहुत सारे युवा लड़के लड़की बच्चे मेरे सामने 14 वर्ष 18 वर्ष 12 वर्ष सीख के बड़े हुए, दुनिया भर में घूम रहे हैं, संस्थाएं स्थापित की हैं, जो भी किया है। अभी एक मैं और देख रही हूँ कि नाक घुसा हुआ है स्टडीज़ में, जैसे कि हमने पाठ पढ़ा ही नहीं, जैसे हम वैसे ही खड़े हो गए, न बीए किया न एमए किया न कुछ किया है, अनपढ़, ओए नाक घुसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, ये करना है वो करना है, ग्रेड ले आओ ग्रेड ले आओ। ये इतना नहीं था पहले, एक जो हैवीपन आ गया है, स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, हमने नहीं सुना था, सॉरी। तो बहुत ही बदला हुआ माहौल है, उसमें किस तरीके से ये कलाएं आपके लिए साधना बन सकती हैं, आपके लिए एक वो परिपाटी बना सकती है, आपके मन में शांति ला सकती हैं, वही जो संघर्ष की बात आपने शुरू की थी, वहाँ मैं आती हूँ
कि जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए, संघर्षों में से पास अग्नि परीक्षाओं से निकलने के लिए यदि आप में वो ताकत नहीं है, मानसिक संवेदनात्मक सेंसिटिविटी नहीं है, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इमोशनली, तो आप क्या करोगे? ज़रा ज़रा में बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं भाई। अरे 15-16 वर्ष की बच्ची डिप्रेस काहे के हो रही है? ये उम्र है, खिलते नूर होना चाहिए मुँह पे। अरे बाप रे। तो जो नृत्य सीख के कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छा लगता है, वी फील फ्रेश। हाँ तो फील फ्रेश तो और करो, बराबर बैलेंस करो। लेकिन इन बातों को आज की स्कूल्स आगे ले जा रही हैं कि नहीं? आज NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यदि ये डाला गया है तो अभी लागू होते 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 ये पीढ़ी निकल जाएगी। मेरा इतना ही निवेदन है कि जो भी करना है जल्दी करो, जल्दी से उनकी ऊर्जा बढ़ाओ और उनकी टैलेंट को बढ़ने दो। या मैथमेटिक्स है तो वायलिन भी करना है, लिबरल एजुकेशन कहते हैं अमेरिका में जी। वो पहले आना चाहिए था, नहीं आया, अब लागू कर रहे हैं, जल्दी करो क्योंकि उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़ायदा होगा। जो कहते हैं ना राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, वो बैलेंस होता है। हमारा ब्रेन इतना बैलेंस्ड कैसे है? मैं सच बता रही हूँ, क्या मेरे पे दुख नहीं पड़ते हैं? हर रोज़ क्या संघर्ष नहीं होता है मेरा? आपका तो पूरा जीवन संघर्ष की गाथा। आज भी मैं कह रही हूँ कि भाई हर रोज़ मुझे एक नए तरीके से अपनी वो ढालनी पड़ती है, वो दिनचर्या कुछ बातों में। तो उससे मैं कहूँ, कह रहे भाई यार मैं अब सो जाती हूँ, जो होना है होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन उनको ताक के उनका हल निकालना, ये जो संघर्ष है उसके लिए इमोशनल फिजिकल स्ट्रेंथ आप में होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन उन संघर्षों से आगे उनको जीतने की ताकत, वो ऊर्जा अपने अंदर लानी पड़ती है। और आपका जीवन अपने आप में प्रेरणा है सभी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और युवाओं के लिए। जैसा आपने कहा कि युवाओं को एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कला भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कला आपको एनर्जी देती है, आपको सशक्त बनाती है कि आप उस स्ट्रेस को हैंडल कर सके। थैंक यू सो मच मैम हमें समय देने के लिए और अपने जीवन के इतने शानदार अनुभव हमारे जरिए पूरी दुनिया के साथ। जाते जाते छोटी बात कह दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, कि वहाँ संसद में बैठ के मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ, फिर आसपास वाले लोग देखते हैं, तो मैंने कहा DMK के जो हैं, आप लोग सारे डांसर हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है व्हाट येन्ना, तो ये अल्लपद्म है। नो, ये सूची हस्त है, नो पता का हस्त है। अब आके बैठो बाहर मेरे पास, मैं समझा देती हूँ कि और क्या क्या कर सकते हो उसके साथ। ओह दे लव इट। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये बहुत पसंद आएगा जो आपने बताया कि संसद में नृत्य की मुद्राएं भी देखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन, मेरे नमस्कार, एंड आई होप कि आप इसका आनंद लेंगे और हमारे भारतीय कला परंपराओं के पोषक बनेंगे। थैंक यू। तो संवाद में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।